हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योतिष के माध्यम से देखेंगे कि कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं 2022 में, 11 जुलाई को वोटिंग होगी, 23 जुलाई को काउंटिंग होगी। दो मेन उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, यशवंत सिन्हा जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, बाद में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो चलिए दोनों का हॉरोस्कोप हम अलग अलग देख लेते हैं और गोचर से जानेंगे कि उस दिन इनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्या ये राष्ट्रपति बन पाएंगे, कौन राष्ट्रपति बन पाएगा, हम ये डिसाइड करेंगे। इससे पहले हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। यह है द्रौपदी मुर्मू जी का हॉरोस्कोप, हम इसका डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं अलग वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संदर्भ में इनका हॉरोस्कोप देखेंगे। जुलाई में जो गोचर होगा शनि का, शनि और बृहस्पति दो मेन ग्रह होते हैं जो कि किसी भी इवेंट को डिसाइड करते हैं। शनि का गोचर होगा मकर राशि में यहाँ पे, और मकर राशि से इसका संबंध बनेगा नटल के बृहस्पति से, जो कि बहुत अच्छा योग है। जुपिटर का जो गोचर होगा, बृहस्पति का जो गोचर होगा वो होगा मीन राशि में, और यहाँ से इसका संबंध जो है शनि से बनेगा, चंद्र से बनेगा, जो कि इनके करंट प्रोफेशन से मूवमेंट की तैयारी में है, अपलिफ्टमेंट की तैयारी में है। भाग्योदय योग बनाता है, बहुत बड़ा योग बनता है, व्यक्ति बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकता है इस योग में। तो इनके ग्रह पूरी तरह से फेवर करते हैं प्रेसिडेंट पद के लिए। लेकिन जो गोचर में राहु का मेष राशि में होना, वो थोड़ा हेल्थ इश्यूज दे सकता है। यह है यशवंत सिन्हा जी का हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हम इनका हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए। जुलाई में जो शनि है, शनि का जैसे कि हमने बताया कि मकर राशि में होगा, मकर राशि से गोचर शनि का संबंध इनके नटल के मंगल और केतु से बनेगा। जब भी मंगल और केतु का योग बनता है, शनि मंगल केतु का योग बनता है, ये प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होता, राष्ट्रपति पद के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा है इनका जो बृहस्पति का गोचर होगा मीन राशि में होगा, शनि के ऊपर मीन बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है मीन राशि में, लेकिन यहाँ से जो बृहस्पति है उसका संबंध बनेगा राहु से और चंद्र से, जो कि शुभ नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जी के जो ग्रह गोचर है वो राष्ट्रपति पद के लिए फेवर नहीं करते हैं, साथ ही इनके इनके जो ग्रह गोचर है वो इनकी हेल्थ के लिए, इनकी लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।